इंडिया अलायंस किसी भी हालत में 300 पार कर रहा है, और उसमें सभी पार्टी के जो हमारे दल के प्रमुख लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। जब हमें पूछा गया तो उद्धव ठाकरे ऑप्शन हो के, मतलब क्यों नहीं हो सकता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छा काम किया है, देश में एक अच्छा फेस है, लिबरल फेस है, तो उनके चेहरे को एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस में और भी चेहरे हैं, एक नहीं और भी चेहरे हैं। अगर देश का नेतृत्व करने की है हमको, अगर मिलती है महाराष्ट्र को मौका मिलता है तो उसका स्वागत हम करेंगे ही ना। लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और भी दल है जो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, उनके भी नेता है, तो नेतृत्व कौन करेगा यह अब सवाल नहीं है। तानाशाही को हराना है सब मिलकर, ये सवाल। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही चेहरा है ना, और कौन सा चेहरा है क्या? मिसा पिता वही चेहरा 10 साल से चल रहा है, और लोग उनको अब एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे। मोदी जी और उनकी पार्टी हारने जा रही, बुरी तरह से हार रही है। तो इसलिए सवाल है कि इंडिया आघाड़ी का चेहरा कौन? इंडिया आघाड़ी में बहुत से चेहरे हैं, उनमें से एक उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि नाना पटोले ने ये कहा था कि आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, कल तक आप राहुल गांधी के नाम के लिए पिच कर रहे थे और अभी आप उद्धव ठाकरे के पास। देखिए, नाना पटोले जी के बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, राहुल गांधी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है, तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें उसमें गलत क्या है? उसमें मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। सर, उद्धव ठाकरे जी ने कल धारावी में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो आदित्य को ग्रूम करेंगे और आने वाले 2.5 साल के बाद वो केंद्र में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये सच्चाई है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तब उनको ये बड़ा सपना था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और मोदी जी की जगह पर जाऊंगा। उनको तो ये भी सपना था कि मैं पहले गृहमंत्री बनूंगा, ये उनका बहुत बड़ा एक, इसलिए तो उनका काट दिया ना और डिप्यूटी सीएम बना दिया। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा कद अब इतना बड़ा बड़ा है कि मैं योगी जी को भी पीछे हटाकर या मोदी जी को भी पीछे हटाकर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये उनके दिमाग में चल रहा था। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो कहा है ये सच है, उद्धव ठाकरे कभी झूठ नहीं बोलते, हमारी राजनीति झूठ के ऊपर टिके हुए नहीं है। सर, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट रोजाना लेकर कुछ नेता आ जाते हैं, ऐसा ट्वीट किए हैं देवेंद्र फडणवीस, कह रहे हैं सही समय पर इसका जवाब देंगे, मकुल जवाब देंगे। ये मकुल बिल्कुल छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो सही है, उद्धव ठाकरे ने कहा ये सही है, देवेंद्र जी को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पद का बहुत बड़ा सपना उस वक्त आ रहा था, लेकिन मोदी जी और शाह जी ने उनके पैर काट दिए और महाराष्ट्र में डिप्यूटी सीएम बना दिया है। उसका एक वजह यह भी है, तो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर आने का उनका जो एक ख्वाब था वो मोदी और शाह जी ने खत्म कर दिया है। सर, एक ज्वाइंट सभा जो है झारखंड में आज हो रही है जिसमें 14 इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं को वहां पर बुलाया गया है, आपकी पार्टी से उद्धव ठाकरे जी को जो है आमंत्रित किया गया था। ये बात सही है कि झारखंड में इंडिया अलायंस का एक रैली आज हो रही है, और हेमंत सोरेन जी की तरफ से उनकी पत्नी बहन जी हमारी
मेरे से भी बात हो गई, उद्धव ठाकरे साहब से भी बात हो गई, लेकिन आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज भी उद्धव ठाकरे मुंबई से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा है कि हमारे पार्टी की तरफ से कोई ना कोई वहां पहुंच जाएगा। ये बात सही है। सर, अनिल बोंडे जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उन्होंने अमरावती में कहा कि जो टुकड़ी आपने उनके ऊपर कही थी उसके लिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो आपकी जबान काट दी जाती, बाला साहब ठाकरे होते तो कान के नीचे बजाते, इस बयान को कैसे देखते? कौन बोंडे? मैं पहचानता नहीं ये कौन बोंडे है। एक बोंडे हमारे पास था, शायद वही हो सकता है जो हमारे पार्टी में हमारे सामने नाक रगड़कर हर चुनाव में सीट मांगता था और हम उनको सीट देते थे। अब वो शायद बीजेपी में होगा, वही होगा, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँ। खूब चेहरे बघा, ह्याच्यावरती असा आहे की आम्ही प्रधानमंत्री पदावरती कधीच चर्चा करत नाही आणि करण्याची गरज नाही, पण आमच्याकडे खूप चेहरे आहेत, त्यातला एखादा चेहरा प्रधानमंत्री होईल। आमची इच्छा आहे की राहुल गांधीजी आहेत, त्यांनी नेतृत्व करावं देशात, आम्ही वारंवार सांगत आलो आहे ना, पण राहुल गांधी विरक्त आहेत, ते पक्षाचा प्रचार करतायत, ते इंडिया आघाडीचा प्रचार करतायत, पण त्यांना सत्तेचा लोभ नाही। सर, काल सभा झाली इंटरव्ह्यूला, त्यामध्ये उद्धव ठाकरे असे बोलले होते की देवेंद्र फडणवीसने असं वक्तव्य केलं होतं की 2.5 वर्ष आमचे मुख्यमंत्री आहेत आणि 2.5 वर्ष आपण आधी त्याला मुख्यमंत्री होतो, मात्र देवेंद्र फडणवीस आता असे बोलले की मला काही वेळ लागले नाही। प्रत्येक वेडा माणूस हेच सांगतो की मी वेडा नाही, प्रत्येक गुन्हेगार हेच सांगतो की मी गुन्हा केला नाही। ही मानवी स्वभाव आहे आणि त्या मानवी स्वभावापासून देवेंद्र फडणवीसजी सुद्धा वेगळे नाही। उद्धव ठाकरे यांनी जे सांगितलेलं आहे ते 16 आणि 7 आहे, 100% सत्य आहे। उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांची चर्चा जी झाली त्यानुसार तेव्हा आमचे संबंध फार चांगले होते। आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवून मी दिल्लीत जाईन, दिल्लीत अर्थमंत्री होईन, दिल्लीत गृहमंत्री होईन आणि मी प्रधानमंत्री होईन। मी त्यांचं स्वप्न मोठं होतं आणि ते स्वप्न बाळगायला काहीच हरकत नाही। महाराष्ट्राच्या नेत्याला असं नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार असेल तर आम्ही नक्कीच त्याच्या पाठीशी उभे राहतो, पण त्यांचं हे स्वप्न बहुधा मोदी आणि शहाजींना आवडलं नाही आणि त्या स्वप्नाचे पंख कापून त्यांना महाराष्ट्रामध्ये डेप्युटी CM केलं, असं मला एकंदरीत जे काही राजकारण आम्हाला कळतं त्यानुसार दिसतं। इतकं मोठं स्वप्न जेव्हा फडणवीसजी पाहायला लागले तेव्हा मोदी आणि शहांनी काहीतरी निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रात त्यांना एकनाथ शिंदे या ज्युनियर नेत्याच्या हाताखाली काम करायला लावलं, त्यालाच मोदी शहांची राजनीती म्हणतात। अजिबात नाही, अजिबात नाही, हा भूलभुलैया तुमचा आहे, त्या भूलभुलैयात तुम्ही अडकलेले आहात। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम TV सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।